दोस्तों आज बात करेंगे हम समझेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज के द्वारा ये बीमारी हो गई है। तो क्या होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं दोस्तों। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो मतलब कि स्वतः, मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब कि खुद से ही, इम्यून डिजीज मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम से होने वाली बीमारियाँ। पहले समझो इम्यून सिस्टम क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो एक सिस्टम होता है क्या, इम्यून सिस्टम, जो कि हम सुनते हैं अक्सर इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है ये क्यों है, क्योंकि जब भी हम किसी भी एंटीजन के कॉन्टेक्ट में जाएंगे, एंटीजन बोले तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो भी व्हाटएवर, चाहे आप इन्फेक्टेड खाना खा लो, इन्फेक्टेड लोगों से मिल लो, या जैसे करके एंटीजन आपकी बॉडी में पहुंचेगा आपको बीमार करने के लिए, तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और वो कुछ प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा मतलब कि कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अभी एंटीबॉडीज़ क्यों बनाएगा, क्योंकि ताकि हमारा शरीर सेफ रहे और ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन से लड़ लें, उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम बच जाते हैं हर बार, कई बार तो हमको पता भी नहीं चलता। तो इसे बोलते हैं इम्यूनिटी, और ये हमारा इम्यून सिस्टम। तो अब ऑटो इम्यूनिटीज़ कहाँ से आती हैं भाई, देखो कई बार क्या होता है जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे ही शरीर के सेल्स को एंटीजन समझ लेती हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो खुद ही एक एंटीजन है, वो बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकती हैं, तो उसको किल करना शुरू कर देती हैं, मारना शुरू कर देती हैं उसको एंटीजन समझ के। तो क्या हुआ, हमारा शरीर खुद को ही मार रहा है, हमारे शरीर की एंटीबॉडीज खुद के सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ बीमारियाँ निकल के आएंगी, और ये जो बीमारियाँ होती हैं जिस जगह की सेल्स को डैमेज किया जाएगा उस जगह पे बीमारी डेवलप हो जाएगी। तो कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद को नुकसान पहुंचा रही है। तो पहली बीमारी होती है क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल के लिए आप वीडियो देख लेना। इसमें क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, जैसे क्या बोलते हैं, माइलिन मेम्ब्रेन या माइलिन शीथ। तो इस माइलिन शीथ या माइलिन मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ये इस माइलिन शीथ की सेल्स को ये क्या समझते हैं, एंटीबॉडीज एंटीजन समझ लेते हैं, उसको डैमेज करने लगते हैं। तो ये जब ये प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म होती है तो बीमारी डेवलप होती है, इसे बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें भी वही होता है, मैसेजेस जा नहीं पाते, आदमी को हाथ पैर कांपते हैं या बोल नहीं पाता, याद नहीं रख पाता, बहुत सारी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। दूसरी यहाँ पे दोस्तों रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आपने अक्सर सुना होगा आर्थराइटिस हो रहा है, हाथ पैरों में जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका एक कारण होता है। ऑटो इम्यून डिजीज कैसे होता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं चाहे वो घुटने की हो चाहे उंगलियों की, इनके हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन या सिनोवियल फ्लूइड। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर की इस सिनोवियल फ्लूइड को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और जब ये सिनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो ये पास टकरा जाती हैं, हड्डियाँ पास आ जाती हैं और फिर टकराती हैं, जिससे अपन को दर्द होता है, चलते फिरते आदमी को दर्द होता है, उठते बैठते, उसे बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। और रूमेटॉइड बोल रहे हैं तो उंगलियों में, ठीक है। एक और कंडीशन होती है दोस्तों यहाँ पर डायबिटीज, डायबिटीज वो भी मेलिटस, इंसिपिडस नहीं, मेलिटस। मेलिटस डायबिटीज तब होती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बने। इंसुलिन कब बनता है, आपके जो पैंक्रियाज होता है, एक हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक अंग है, इसका नाम क्या है, पैंक्रियाज, उससे निकलता, उस पर क्या है, कुछ सेल्स हैं, इनको बोलते हैं बीटा सेल्स। पैंक्रियाज है उस पर बीटा सेल्स हैं, उनका काम क्या है, इंसुलिन को बनाना। इंसुलिन बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होगा। तो ये जो इंसुलिन है कौन बना रहा है, बीटा सेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया शरीर की एंटीबॉडीज इस बीटा सेल्स को जाकर डैमेज कर देती हैं, तो वो बीटा सेल डैमेज हो जाती हैं, तो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पाती और फिर शुगर लेवल बढ़ता है बॉडी में और फिर आदमी को डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो डायबिटीज मेलिटस होता है। एक और बीमारी होती है दोस्तों हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है कि जो हमारे थॉरेक्स, थायरॉइड वाला पार्ट होता है, थॉरेक्स
ये T3 T4, इनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, थायरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं। ये जो सेल्स होती हैं इस थायरॉयड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाती हैं, सॉरी हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं इस थायरॉयड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाती हैं, तो क्या होगा, थायरॉयड हार्मोन नहीं निकलेगा, क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो फिर क्या चलेंगे, वो आपने देखा होगा थायरोक्सिन वगैरह दवाइयाँ चलती हैं, वो चलती हैं, तो थायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाएगी। दोस्तों एक और बीमारी होती है मायस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, एक न्यूरोमास्कुलर डिजीज है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जो इनके पास एक रिसेप्टर होता है एसिटिल कोलिन का रिसेप्टर होता है, ये एसिटिल कोलिन इनके अंदर से न्यूरो ट्रांसमीटर जा रहा होता है, ये मतलब एक प्रकार से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, सारे मैसेजेस जाएंगे। तो जब ये बीमारी होगी तो क्या होगा, ये मायस्थेनिया ग्रेविस में ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं, जब रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएंगे तो उनको सिग्नल्स रिसीव नहीं हो पाएंगे, तो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती, हाथ पैरों को हिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एसिटिल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैसेंजर्स आ नहीं पाते हैं, सिग्नल्स आ नहीं पाते हैं। तो ये सारी बीमारी आपने देखा कि जिस जगह पे बीमारी हो रही है वहाँ की सेल्स को डैमेज किया जा रहा है हमारी ही बॉडी एंटीबॉडीज़ के द्वारा, तो ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ से लाइक करें, जिससे मुझे मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलेगा क्या, वीडियो का नोटिफिकेशन, ठीक है। और हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।